तो राम राम भाई सारे ने आज है ना आपा करेगा पोको M6 Pro वर्सेस Redmi 12 का कंपैरिजन करेगा और आपा ये देखा कि कौन सा फोन है ना अच्छा है नहीं है थोड़ा सा हरियाणा भी ट्राई कर रहा था। वैसे मैं भी हरियाणा से हूँ बट इतना डीप हरियाणी मुझे नहीं आती, थोड़ा सा मारवाड़ी मिक्स है उसके अंदर। तो देखो बेसिकली सिंपल है, पोको M6 Pro और Redmi 12 ये रिसेंट टाइम में फोन आए थे और इनका हम लोग ऐसे डिटेल कंपैरिजन करेंगे। वैसे मैंने ना दोनों का अलग रिव्यू भी लेकर आऊंगा डेडिकेटेड के हिसाब से, बट एक ओवरऑल कंपैरिजन में ये पता चल जाता है कि कौन सा दोनों में से एक बेस्ट है, वो आइडिया लग जाएगा। अब आपको ये पता है कि Redmi का सब ब्रांड पोको निकल कर आता है और यहाँ पर सारी चीजें ना ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट हो जाती है कभी कभी पोको के फोन में, लेकिन पर थोड़ा लुक एंड फील चेंज हो जाता है। पोको अपना एक अलग स्टैंड लेकर आता है और वहीं Redmi का तो हर बार कुछ अलग ही आते रहता है। अभी यहां पर आप देखोगे इन दोनों में एक डिफरेंस यही है कि ये ब्लैक पैच है ना पोको में, बस वो एक डिफरेंस है। अगर ये पैच नहीं होता ना तो सेम एज इट इज ऐसा ही देखने मिलता अपना Redmi 12 की तरह। पोको जो स्टार्ट हो जाता है ना 4GB 64 से स्टार्ट होता है, बट वहीं Redmi 12 स्टार्ट होता है 4GB 128 के साथ। बैलेंस अगर कंपैरिजन चले तो 6GB 128 और 6GB 128। 6GB 128 पोको सस्ता मिलता है 13,000 रुपए के अंदर, और मैंने कोई कार्ड ऑफर की यहां पर बात ही नहीं करी है, डिफॉल्ट प्राइसिंग है। तो कार्ड ऑफर मिला तो वहां पर चीजें चेंज हो सकती है क्योंकि सबके पास सब कुछ कार्ड अवेलेबल होता नहीं है, तो वो आप अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। बाकी ट्विटर पे कुछ छोटा मोटा गिव अवे चालू है, तो अगर आप में से कोई पार्टिसिपेट करना चाहता होगा जो भी स्टेप्स वगैरह होंगे वहां से आपको मिल जाएंगे देखने। एक बात मैं पहले बता दूं, अगर आपका ज्यादा स्टोरेज का ऐसा कुछ काम नहीं है तो 4GB 64 से भी एक बार काम चल सकता है। अगर हैवी यूजर भी नहीं हो, मॉम डैड को देना है या फिर अगर स्टूडेंट्स के हिसाब से फोन देख रहे हो तो ये भी एक इनफ हो जाएगा 4GB 64। पर एक है ना स्टैंडर्ड हो जाता है कि 6GB 128 थोड़ा सा ना फ्यूचर प्रूफ भी हो जाएगा, रैम स्टोरेज ज्यादा मिल जा रही है तो वहां पर वो थोड़ा सा सॉर्टेड रहेगा। बाकी आप अपना कॉल बना सकते हो, कंपैरिजन हम लोग 6GB 128 के साथ में करेंगे। बाकी अलग अलग कलर ऑप्शन अवेलेबल है, इस पे कुछ कलर ऑप्शन अवेलेबल है पोको पर, रेडमी पर अवेलेबल है, तो अपनी चॉइस पे देख सकते हो। मुझे ये पोको का ये लेटेस्ट कलर ज्यादा अच्छा लगा मतलब दूसरे से, और रेडमी का ये वाला कलर थोड़ा ज्यादा बेटर लगा। बाकी लुक एंड फील में अगर देखोगे ना तो भाई एक बात सिंपल है, ऊपर से लेके नीचे तक, पीछे से लेके आगे तक सारा डिजाइन सेम मिलता है। बिल्ड क्वालिटी या फिर अपना डिस्प्ले की नॉच देख लो, बेजल्स देख लो, टाइप सी पार्ट हो गया, स्पीकर ग्रिल और 3.5 mm जैक के गड्ढे, आयर ब्लास्टर, सब कुछ सेम जगह पर आते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा ना कि ये Redmi 12 पहले बन गया और इसका सेम बना के कलर चेंज करके Poco M6 Pro के नाम से भी Poco ने लॉन्च कर दिया। तो दोनों की चीजें अंदर फीचर्स सब कुछ सेम आते हैं, बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी एकदम सेम है, इवन वेट में भी ये दोनों सेम निकल कर आते हैं। तो यहां पर तो कुछ ऐसा कंपैरिजन जैसा बनता नहीं है, तो एक बात है, लेकिन प्लस पॉइंट सस्ता ये ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि 13,000 में जो इसमें मिल रही है वो इसमें भी मिल रही है। और वैसे भी मोस्ट ऑफ लोग यूजर, देखो सिंपल बात बोलूंगा, जो बॉक्स में कवर आता है या फिर आफ्टर मार्केट कवर आता है वो लगा लेते हैं, तो पीछे की लुक्स ही खत्म हो गई। और पीछे के देखेगा तो यहाँ पर सेम फिनिश है, ग्लास बैक मिलता है, तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वगैरह तो यार दोनों का सेम ही पकड़ के चलूंगा मैं, कुछ अलग नहीं बोलूंगा यहाँ पर। और पहले से दोनों पर स्क्रीन गार्ड प्रोटेक्टर जो होता है ना वो लग कर आता है। तो देखो परफॉर्मेंस में भी ना दोनों सेम फोन है, मतलब स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का दोनों में सेम प्रोसेसर आता है, स्टोरेज टाइप भी सेम है और रैम टाइप भी वो भी सेम निकल कर आती है। और एक चीज ध्यान रखना, ये ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था जब मैं Redmi 12 बाय करने गया था, क्योंकि इसका एक 4G वेरिएंट भी आता है, तो दुकान वाले ने बोला आपको 4G चाहिए कि 5G चाहिए। तो इस चीज से ध्यान रखना कि जब आप बाय करने जाओगे तो कंफ्यूज ना हो जाओ और गलती से कोई दूसरा 4G फोन ना उठा लो। ये 5G वाला फोन है, तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 वाला प्रोसेसर है, तो ये बात ध्यान रखना। और जिसके अंदर आपको Helio G82 का प्रोसेसर मिल रहा है ना, वो 4G फोन होगा, तो वो बाय मत कर लेना गलती से। अभी देखो बैटरी भी दोनों फोन के अंदर सेम आती है 5000 mAh की, और ये दोनों फोन है ना 18W की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। अभी थोड़ी सी बैटरी समझते हैं कि इसकी 5000 mAh अच्छा है या फिर Redmi का 5000 mAh अच्छा है, ये पता चल जाएगा कि इसका बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है पोको या फिर इन दोनों का। अभी इसके लिए यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा एक बेटर आइडिया लग जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको ये टेस्टिंग अगर अच्छी लगेगी, ऐसे रिजल्ट और डेटा अच्छे लगेंगे ना, तो भाई वीडियो लाइक कर देना। ये दोनों फोन आप लोगों के लिए खरीद के लिए आए हो और उसके बाद वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि ओवरऑल दोनों फोन में से कौन बेटर है। और ऐसे आप कमेंट करते हो, हम लोग रीड करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि आपको कौन सी वीडियो की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग खुद वो फोन बाय कर लेते हैं ताकि आपको एक फेयर वीडियो मिल सके। तो उसके लिए भाई इतना सपोर्ट दिखाने के लिए कम से कम इस वीडियो पे 4000 लाइक तो करवा देना, और कमेंट तो भाई मस्त में 500 के ऊपर करवा दो। सबसे पहले दोनों फोन के अंदर 100% की ब्राइटनेस आ चुकी है, सेम एप्लीकेशन है सभी के अंदर, बैकग्राउंड से सारी एप्लीकेशन उड़ा दी गई है, वाईफाई वगैरह भी सेम आ रखे हैं, सेम सेटिंग पर ऑलमोस्ट पूरा फोन है। सबसे पहले एंड्रॉइड बेंचमार्क निकाला, जो हमको सबसे ज्यादा थोड़ा बेटर देखने मिला Redmi 12 के अंदर, मैं थोड़ा शॉक था। और उसके बाद में तुरंत ही जैसे वो एंड्रॉइड बेंचमार्क निकला तो फिर हम लोग ने फिर से निकाला, तो एंड्रॉइड बेंचमार्क इस बार और ज्यादा है Redmi 12 के अंदर, और ये पोको में थोड़े से स्कोर कम देखने मिले। फिर जो स्टोरेज की स्पीड टेस्ट निकाल के देखी और वहां पर भी मुझे Redmi की स्कोर ज्यादा बेटर
में देखने मिली पोको से। फिर Geekbench 6 का स्कोर निकाला, वहां पर भी मुझे सिंगल कोर, मल्टी कोर और जीपीयू के स्कोर बेटर देखने मिले Redmi के अंदर। फिर सीपीयू थ्रॉटल निकाला और वही सीपीयू थ्रॉटल 94% कर गया पोको के अंदर। फिर जो 3D मार्क टेस्ट करके निकाला ना, तो थोड़ा सा शॉक लगा मुझे कि दोनों के अंदर जो टेस्टिंग थी ना, जो स्कोर थे ना, एकदम सेम आए। 99.6% की स्टेबिलिटी देखने मिली दोनों के अंदर, मतलब एकदम कट टू कट स्कोर है, ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा। लेकिन अब जो बैटरी वहां पर आ चुकी है पोको के अंदर 76% और Redmi के अंदर 75%। पर एक चीज ध्यान रखना, सीपीयू स्कोर में और इवन जीपीयू स्कोर के अंदर और एंड्रॉइड बेंचमार्क के अंदर Redmi ने ज्यादा अच्छा काम किया है, तो उस हिसाब से 1% का ड्रॉप में डिफरेंस कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। यहाँ पर स्टिल मैं इसको विन कराऊंगा, बट अभी टेस्टिंग थोड़ी सी आगे लेके जाते हैं। यूट्यूब पर मैंने वीडियो का प्लेबैक कर दिया, दोनों के अंदर सेम सेटिंग रख दी, वो भी अगले 1 घंटे के लिए। और जैसे ये खत्म हुआ तो वहां पर मैंने 1 घंटे के लिए 1080p 30fps के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अब यहाँ पर जो रिजल्ट है ना, वो थोड़े से देख सकते हो, Redmi के अंदर 52% की बैटरी है, बट वहीं Poco के अंदर 55% की बैटरी है। और यहाँ पर ये जो टेस्टिंग हुई ना, पूरी ऑलमोस्ट 4 घंटे की टेस्टिंग हुई, तो 4 घंटे के अंदर यहाँ पर Poco ने ऑलमोस्ट ना 3% बैटरी बैकअप ज्यादा निकाल के दिया Redmi के मुकाबले। पर भाई पावर में थोड़ा ज्यादा बेटर, स्टोरेज में थोड़ा ज्यादा बेटर वो मुझे Redmi देखा, जैसे आप लोगों ने पहले स्कोर में देखे। बाकी रही बात गेमिंग को लेकर, तो दोनों ही फोन है ना, यहाँ पर सेम सेटिंग लाते हैं, BGMI पर 40fps की गेमिंग करवाते हैं, और 40fps की गेमिंग दोनों के अंदर स्टेबल आती है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फर्क है, कभी कभी 35 वाले fps दिख जाते हैं। तो गेमिंग करने के लिए यहाँ पर 60fps किसी के अंदर अनलॉक नहीं है, और लेटेस्ट मैं टेस्ट करके बता रहा हूँ, वहां पर इन्होंने 40fps ही रखा है। और ये जो प्रोसेसर है ना, ये इतनी ज्यादा ऐसे हाई एंड गेमिंग करवाने के लिए नहीं बना हुआ है, तो आपको बेसिकली समझो ना, टाइम पास करने के लिए कभी कभार BGMI खेल लिया 40fps पर, तो थोड़ा बहुत टाइम पास चल जाएगा। हैवी गेम जो हो गया ना, वो इसके अंदर इतने ज्यादा अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे। बाकी जो दूसरे गेम है जो आप नॉर्मली खेल सकते हो, वो आराम से इसके अंदर प्लेबल रहेंगे। अभी देखो, ये दोनों ही 5G फोन है, तो दोनों के अंदर सेम 7 5G बैंड्स आते हैं, और इवन जो ब्लूटूथ भी है वो भी सेम है, और वाईफाई 5 दोनों के अंदर है। बाकी सिक्योरिटी के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, इन डिस्प्ले ऑफकोर्स नहीं मिलेगा यहाँ पर, और दोनों ही एज यूजुअल सही काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें अच्छा है इसमें अच्छा नहीं है, दोनों के अंदर सेम है। और साथ में IP53 की जो स्प्लैट रेजिस्टेंट होता है, वो भी दोनों के अंदर मिलता है, तो थोड़े बहुत पानी के छींटे पड़ गए तो भी फोन अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। छींटे पड़ गया, डुबाना नहीं है पानी में। अब रही बात डिस्प्ले को लेकर, तो 6.79 इंचेस का IPS LCD 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले मिलता है। पीक ब्राइटनेस भी यहाँ पर सेम आती है, गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी यहाँ पर सेम है। और डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग को लेकर बात करूं, तो दोनों के अंदर जो कलर्स है IPS के हिसाब से दोनों में सेम आते हैं, तो कंटेंट विजिबिलिटी को लेकर ऐसा कोई टेंशन नहीं है। बस एक है कि यहाँ पर आप YouTube पर 1080p 60fps का मैक्स कंटेंट प्ले कर सकते हो, 4K वगैरह यहाँ पर नहीं लेके जाएगा। और इवन अगर HDR का कंटेंट प्ले करना है तो वो भी YouTube पे नहीं चलेगा। और Netflix पर आप है ना फुल HD का कंटेंट प्ले कर सकते हो, बट वहां पर भी आपको कोई HDR 10 का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। तो ओवरऑल डिस्प्ले में बात करूंगा, दोनों सेम लगते हैं, बेजल्स भी सेम है, सेंटर पंचोल कैमरा आता है, तो डिस्प्ले की कलर पूरा दोनों का सेम आता है। और बात करें कंटेंट विजिबिलिटी को लेकर, तो दोनों ही अच्छे हैं इंडोर में। आउटडोर में 550 ब्राइटनेस थोड़ी सी आपको कम लग सकती है, बट फिर भी एक बार थोड़ा काम चल जाता है उस हिसाब से। और दोनों में ना सिंगल स्पीकर आते हैं, और आउटपुट में मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा, दोनों की लाउडनेस सेम आती है, तो सिंगल स्पीकर के हिसाब से भी सही काम कर रहे हैं दोनों ही फोन। और 3.5mm जैक के गड्ढे दोनों फोन में लगा सकते हो, तो ईयरफोन वगैरह लगाना है वो भी सही है। अभी देखो सॉफ्टवेयर की बात करें, तो दोनों के अंदर एंड्रॉइड 13 का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, और साथ में MIUI 14 पर दोनों ही फोन रन कर रहे हैं। कितने साल का अपडेट आएगा, क्या आएगा, वो अभी कहीं मेंशन नहीं किया है, कहीं कुछ पता नहीं चला। तो अगर मुझे कुछ पता चलता है, आप में से किसी को पता है, तो कमेंट करके बता दो, या फिर मैं साथ में कमेंट में पिन कर दूंगा वो कमेंट, और मुझे कुछ मिला तो वो भी मेंशन कर दूंगा कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। और सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस इतना है कि दोनों का सेम है, लाइक ये मतलब कुछ अलग नहीं आता, पोको और रेडमी का सेम एक्सपीरियंस आता है। और यहाँ पर इतना है कि एनिमेशन वगैरह 90Hz पर दोनों पर अच्छे से रन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये अजीब है ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा स्लाइटली पॉइंट हल्का सा फिर भी देना चाहूंगा रेडमी के फोन्स को, ये थोड़ा सा ज्यादा स्लाइटली बेटर काम कर रहा है। कभी कभी मतलब जो जीटर वगैरह है मुझे पोको में हल्के फुल्के महसूस हो रहे हैं, और जैसे आप लोगों को पता चला स्टार्ट में जो स्कोर्स वगैरह आए थे एंड्रॉइड के सीपीयू थ्रॉटल वगैरह पे, तो वहां पर वो भी थोड़ा डिफरेंस आता है, और वो रियल लाइफ में थोड़ा सा ज्यादा बेटर काम करता है Redmi 12। और ब्लूटूथ वगैरह एप्लीकेशन दोनों के अंदर ऑलमोस्ट आ ही जाती है, तो जो आपके काम की है वो रखो, जो काम की नहीं है उसको अनइंस्टॉल कर दो। बात करें कैमरास पर, 50MP का मेन कैमरा है, अल्ट्रा वाइड नहीं आता है, सेल्फी भी 8MP की है। तो एक बात बोलूंगा, ऑलमोस्ट दोनों फोन के जो फोटो रिजल्ट है ना सेम आते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ अलग है, डे लाइट में ऑलमोस्ट पूरा रिजल्ट सेम आ जाता है। बस थोड़ा सा मुझे एक बेटर ये लगा कि जो सेल्फी है ना पोको के अंदर थोड़ी सी बेटर आ रही थी कंपेयर टू Redmi 12 से। दोनों ही सेम परफॉर्म करते हैं, बट स्लाइटली कभी कभी पोको अच्छे स्कोर लेके जाता है। इवन जो पोर्ट्रेट फोटोज भी अगर देखोगे थोड़े बहुत जो सैंपल, हालांकि जिस हिसाब से जिस प्राइसिंग के अंदर है कैमरा दोनों ही अच्छे काम कर रहे हैं, बट इन दोनों में से हल्का सा थोड़ा सा बेटर मुझे पोको लगा। वो भी क्यों, क्योंकि सेल्फी कैमरा में थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा था, बाकी मेन कैमरा पर दोनों ही ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट निकाल रहे थे। बाकी कुछ वीडियो सैंपल्स भी लिए हैं साइड बाय साइड, आप लोग देख सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग जो सपोर्ट है यहाँ पर, और दोनों ही पर आप लोग 1080p 30fps की वीडियो रिकॉर्डिंग ले सकते हो फ्रंट एंड बैक कैमरा।
कैमरा पे दोनों पे सेम 60 FPS का सपोर्ट दोनों में ही नहीं दिया है। बाकी सैंपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आपके सामने डे लाइट के सैंपल हो गए, आप खुद आइडिया लगा सकते हो किस तरीके से कौन सा परफॉर्म कर रहा है। और इवन लो लाइट के भी वीडियो सैंपल्स देख सकते हो वहां पर दोनों में से कौन सा आपको बेटर लग रहा है कैमरा। बट मुझे जितना समझा, मेरी टीम को जितना समझा, दोनों के ही अंदर कैमरा ऑलमोस्ट सेम काम कर रहे हैं। सो अगर एट दी एंड फाइनल कंक्लूजन को लेकर बात करूं तो क्या लेना चाहिए, तो ये जितने नंबर से जितना स्कोर आया ना, ये इतने भी बड़े चीज नहीं है कि आप मतलब रेडमी की तरफ भाग जाओ। जो ये स्कोर निकाल रहा है ना, जैसे गेमिंग की परफॉर्मेंस ये कर रहा है 40 FPS, वो भी सेम पोको कर रहा है। कैमरा में भी थोड़ा सा हल्का सा बेटर मुझे पोको लगा। मेरे हिसाब से रेडमी ने थोड़ा सा मार्केटिंग वगैरह में हल्का सा ज्यादा खर्चा किया रहेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा वसूल कर रहे होंगे, क्योंकि पोको उतना कर नहीं रहा है। तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा प्राइसिंग कम कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। सो एट दी एंड मैं इतना बोलूंगा कि पोको थोड़ा सा फिर भी हल्का सा बेटर लग रहा है रेडमी 12 के मुकाबले। बाकी आप अपने थॉट्स मुझे बता सकते हो कौन सा बाय करना है। भाई वो अपना कैमरा डेड ये सब की बात मत करना कि क्या है क्या नहीं, वो तो अभी बता नहीं सकूंगा। वैसे तो अभी तक कुछ ऐसे इश्यूज आए नहीं है बहुत टाइम से, मतलब अपना जो लास्ट 2-3 सीन हुए थे उसके बाद में तो कोई सीन हुआ नहीं है। तो वो अभी अगर होगा तो किसी लॉन्ग टर्म यूज के बाद पता चलेगा, या किसी अपडेट के बाद पता चलेगा कि ये भाई क्या है कैसा नहीं है। तो 4GB 128 भी अगर आपका ज्यादा हैवी काम नहीं है तो 4GB भी आपको इनफ होगा 128 वाला, लेकिन तभी भी वो फोन आपको महंगा पड़ेगा। तो मैं तो फिर भी कहूंगा पोको अच्छी डील है, उसको आराम से ग्रैब कर सकते हो। बाकी आप अपने थॉट्स बता देना कि पोको बाय करोगे या रेडमी 12, या फिर ये दोनों ही नहीं बाय करोगे, इनमें कोई दूसरा बेस्ट ऑप्शन था वो बाय करने जाने वाले हो तो वो बता देना। मैंने तो ये दो फोन बाय करे थे इसीलिए क्योंकि सेम प्रोसेसर, सेम परफॉर्मेंस, सब कुछ, सब नंबर सेम, सिर्फ प्राइसिंग में डिफरेंस था और आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, इसलिए मैंने बाय करके आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आ गया। मेरा ये काम था, मैंने कंप्लीट कर दिया। बाकी आपका काम है उंगलियां उंगलियां घुमाओ लाइक बटन पे, सब्सक्राइब बटन पे, कमेंट बटन पे, कमेंट मतलब टाइपिंग पे कि वीडियो कैसी लगी और क्या चाहते हो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो भी बता देना। और बाकी इनकी गेमिंग रिव्यू भी बहुत जल्दी लाइव हो जाएगी, और अगर लाइव हो गई है तो यहाँ पर आपको गेमिंग पाठशाला मिल जाएगी, तो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय।